सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एसके का ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट हरियाणा या फिर टॉप 10 टॉक्स अबाउट हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंडियन स्टेट्स के फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आज हम सब हरियाणा के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, नॉलेजबल और मजेदार होने वाला है। दोस्तों, बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बात करेंगे हम फैक्ट नंबर 1 पे, कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कैपिटल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की राजधानी है, वो है चंडीगढ़। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दूसरे पोजीशन पे एरिया ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है उसकी। दोस्तों, यहाँ का जो एरिया है हरियाणा का, वो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, हिंदी में जानेंगे 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों, ये जो एरिया है वो पूरे इंडिया में 22वें स्थान पे है। दोस्तों, क्लियर है? यहाँ की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो है 2.5 करोड़। और दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन है वो पूरे इंडिया में 18वें स्थान पे है, 18th रैंक पे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है, और एरिया 22वें स्थान पे है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर की। दोस्तों, यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी, और दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ जिले हैं वो हैं दोस्तों 22, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों यहाँ पे हैं वो हैं 22। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम पॉलिटिकल सीट्स की फैक्ट नंबर 5 पे। दोस्तों, यहाँ पे जो MLA विधायक विधान सभा की जो सीटें हैं वो है 90, और दोस्तों लोकसभा यानी कि जो हमारे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर हम जिन्हें सांसद बोलते हैं आम भाषा में, उनकी सीटें यहाँ पे हैं 10। और दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा यानी कि जो MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी की जो सीटें हैं वो हैं दोस्तों केवल और केवल 5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम फैक्ट नंबर 6 पे। तो दोस्तों, यहाँ का जो हाई कोर्ट है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले की वीडियोज में बताया, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट जो है वो है चंडीगढ़ में। और दोस्तों, यहाँ की जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो है मिस्टर रवि शंकर झा जी। मिस्टर रवि शंकर झा जी यहाँ के चीफ जस्टिस, यहाँ के जज हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम फैक्ट नंबर 7 पे कि जो हमारा हरियाणा है वो अपना जो बॉर्डर है वो कौन कौन से स्टेट से इसकी बॉर्डर छूती है। दोस्तों, नॉर्थ में हमारा है पंजाब, और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश, और दोस्तों ईस्ट में हमारा, पूर्व में दोस्तों उत्तर प्रदेश से ये अपनी सीमा साझा करती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम फैक्ट नंबर 8 पे फेमस पर्सनालिटीज की। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे मोस्ट फेमस है बाबा रामदेव। ना आपने नाम तो सुना ही होगा बाबा रामदेव जी का, जो कि योगा, जिन्होंने पूरे देश में, बोलता हूँ पूरे विश्व में, इन्होंने योगा का नाम, हमारे पूरे भारत देश का नाम रोशन किया बाबा रामदेव। हमारे हरियाणा से ही इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे रेसलर्स का भी जन्म हुआ है, इनमें दोस्तों साक्षी मलिक बहुत ही प्रख्यात नाम है, और दोस्तों गीता एंड बबीता फोगाट का भी जन्म है जो दोस्तों हरियाणा में हुआ है। इनके ऊपर एक दोस्तों मूवी भी आधारित है जिसका नाम है दोस्तों दंगल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम 9वें पोजीशन पे फेमस प्लेसेस की, फेमस मॉन्यूमेंट्स की। दोस्तों, यहाँ पर हमारा शेख चिल्ली टॉम्ब, आपने बचपन में शेख चिल्ली की कहानियाँ सुनी होंगी, तो शेख चिल्ली टॉम्ब जो है वो हरियाणा में ही है। और यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम लोदी टॉम्ब है, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है इब्राहिम लोदी टॉम्ब कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। और क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम फैक्ट नंबर 10 पे, जैसा कि हमेशा की जैसे स्टेट सिंबल्स की। दोस्तों, यहाँ का जो राजकीय जानवर, स्टेट एनिमल है, वो है ब्लैक बग। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो राजकीय जानवर है, स्टेट एनिमल है, वो है ब्लैक बग। और यहाँ की जो राजकीय बर्ड है, स्टेट बर्ड है दोस्तों, वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। और दोस्तों यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है, स्टेट फूल जो है वो दोस्तों है लोटस। और दोस्तों ये जो लोटस है हमारा, ये पूरे देश का भी नेशनल फ्लावर है, लेकिन दोस्तों एक ये हमारा इंडिविजुअली हरियाणा का भी स्टेट फ्लावर है। और दोस्तों यहाँ का जो स्टेट ट्री है वो है पीपल ट्री। दोस्तों यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल का पेड़।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस ही कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।